अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 2.7 का, सेकंड ईयर का। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि उसने क्वेश्चन दिया है, इफ़ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, शो दैट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें यानी कि आपने टू टाइम्स डेरिवेशन लेनी है। अब इसके दो मेथड हैं, एक मेथड तो ये है कि इसकी टू टाइम डेरिवेशन लेकर इस इक्वेशन में पुट कर दें, वो थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा। कैसे? अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें हम देख सकते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी वाई की डेरिवेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ई की पावर एक्स डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स पहले आ जाएगा, डेरिवेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। अब हम देख सकते हैं कि साइन की जो डेरिवेशन है वो होती है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और ई की पावर एक्स की डेरिवेशन ई की पावर एक्स ही आएगी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रही है, इसको अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है, अगर इसको तरतीब से लिख लें यानी कि साइन एक्स को पहले लिख लें तो प्लस कॉस एक्स बाद में आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। अब वो कहता है इसका अगेन डेरिवेशन लें यानी कि डी स्क्वायर वाई, यानी कि इधर इसकी जब डेरिवेशन लेंगे डी ओवर डी एक्स यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही है वो ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि जो ई एक्स है ये एज इट इज लिख रहे हैं, इसकी आप डेरिवेशन ले लें। इसकी जब हम डेरिवेशन लेते हैं तो हमारे पास साइन की डेरिवेशन होती है कॉस एक्स, और कॉस की होती है माइनस साइन एक्स, मिड में आ जाएगा प्लस, अब सेकंड टर्म एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स की डेरिवेशन ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगी। तो इधर जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर, यहाँ पर स्केयर नहीं था। अच्छा जी, अब हम फिर देख सकते हैं कि इसमें सी रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रही है दोनों ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास अंदर जो वैल्यूज बनेगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब कॉस एक्स और कॉस एक्स ये बन जाएगा टू कॉस एक्स, यानी इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें तो टू रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा ना। अब आप बेशक इसका जो चीज प्रूव कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसकी तीनों की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं ये जो अभी हमारे पास आंसर आया है, इसके बाद डी वाई डी एक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम आपने डेरिवेशन ली थी इसकी, ये भी पुट कर सकते हैं और ये भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये एज इट इज बन जाएगा, और वाई की वैल्यू भी हमारे पास ये है। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये सारी चीज पुट करेंगे कि इसका आंसर हमने जीरो लेकर आना है, तब ये प्रूव होगा। अब हम जब करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस टू, ये क्वेश्चन वाला टू। अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है, मैंने आपको बताया ये भी है, यही कर लें क्योंकि फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, तरतीब से लिख लें। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वाई की यानी कि टू, और वाई की वैल्यू आ रही है तो ये सीधे आ जाएगी प्लस टू इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करें, टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। तो हम देख सकते हैं प्लस टू का ई की पावर एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स और माइनस टू साइन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस के साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा जीरो, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। अब हम चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है वो है, इफ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ax साइन bx, शो दैट डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में भी आपने 2 टाइम्स डेरिवेशन लेनी है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है इसकी, उस मेथड से अगर पुट करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसमें आप करेंगे क्या, आपने इसकी 2 टाइम्स डेरिवेशन लेनी है। फर्स्ट टाइम जब आप डेरिवेशन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वाई की डेरिवेशन लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब मैं प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ई की पावर ए एक्स एज इट इज, और साइन बी एक्स की डेरिवेशन आएगी कॉस बी एक्स डॉट बी, एंगल की डेरिवेशन भी आगे लिखनी है। अब मिड में हमारे पास आ जाएगा प्लस, अब साइन बी एक्स पहले लिखेंगे और ई की पावर ए एक्स की जो डेरिवेशन होगी ई की पावर ए एक्स डॉट ए, इसकी जो पावर होती है इसकी आगे सामने डेरिवेशन आ जाती है। अब इसको हम अगर तरतीब से लिखें तो हमारे पास जो वैल्यूज बन रही है इसमें से, अब एक चीज देख सकते हैं कि ई की पावर ए एक्स ये कॉमन आ रहा है, ये तो पहले कॉमन निकाल लें, और अब बाकी जो वैल्यूज है बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम से जो अब डेरिवेशन ली है तो ये आ गया। अब इस तरह करें कि अगेन इसकी डेरिवेशन लें, इसकी जब अगेन डेरिवेशन लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर। इसमें अब प्रोडक्ट रूल फिर अगेन अप्लाई हो रहा है तो ई की पावर ए एक्स, अब हम जिस इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो चीज बन रही है कॉस की डेरिवेशन होती है माइनस साइन, तो ये बी माइनस बी कॉस की डेरिवेशन होती है माइनस साइन बी एक्स डॉट बी, तो वो वाला बी और ये वाला बी ये बन जाएगा स्क्वेयर आ गया प्लस ए साइन की होती है डेरिवेशन कॉस बी एक्स और इसका आगे हम लिख देंगे बी। अब हम इस तरह करेंगे कि इस क्वेश्चन में देखें इसको तरतीब से लिख लेंगे, ये ए भी बन जाएगा और ये माइनस वाली वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे, ई की पावर ए एक्स इंटू ए बी कॉस बी एक्स। सॉरी, अभी हमने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे थे तो पहले इस पे प्रोडक्ट रूल है, अब मिड में आ जाएगा हमारे पास प्लस, अब सेकंड टर्म एज इट इज लिखेंगे बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स और इसकी डेरिवेशन हमारे पास आ जाएगी ई की पावर ए एक्स डॉट ए। अब इन दोनों वैल्यूज में आप चेक कर सकते हैं कि ई की पावर ए एक्स दोनों में कॉमन आ रही है, तो इसकी अगर e की पावर ए एक्स कॉमन निकाली जाए तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है, अब इसको प्लस वाली वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूं, ये आ रहा है ए बी कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स। अब ये जो e की पावर एक्स ये तो कॉमन आ गई, अब इस ए को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ए बी कॉस बी एक्स, यानी ये ए बी, और इसको करेंगे तो प्लस ए स्क्वेयर साइन बी एक्स। अच्छा, अब इसमें देख सकते हैं ए बी कॉस बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स से सॉल्व हो रहा है तो ई की पावर ए एक्स इंटू, तो ये आ जाएगा टू ए बी कॉस बी एक्स और प्लस वाली पहले लिख लें प्लस ए स्क्वेयर साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स। अच्छा, अब देख सकते हैं कि जो चीज हमने प्रूव करनी है इसमें से अगर साइन बी एक्स कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास अंदर जो चीज बन रही है वो तो प्लस में बनानी थी लेकिन यहां पे तो माइनस बन रही है, तो यहां पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप इस तरह करें, एक दफा खुद से प्लस करें और एक दफा इसको खुद से माइनस करें। कैसे, ए की पावर ए एक्स टू ए बी कॉस बी एक्स, यानी इसमें एक दफा प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा टू ए स्क्वेयर साइन बी एक्स और माइनस ए स्क्वेयर साइन बी एक्स,
और ये जो लास्ट वाला साइन बी एक्स है, सॉरी माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में अगर हम साइन बी एक्स कॉमन निकाले तो अंदर हमारे पास बन सकता है ई स्क्वेयर, बाहर माइनस होकर अंदर साइन चेंज हो जाएगा। क्या कंडीशन बनेगी? ई की पावर ए एक्स इंटू 2ab cos bx प्लस 2a स्क्वेयर साइन बी एक्स माइनस साइन बी एक्स कॉमन निकालें तो हमारे पास जो चीज बन जाएगी अंदर वो आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आप इस तरह करें कि ये जो दो वैल्यूज है ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करें, इनके साथ यहां तक और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करें e की पावर ए एक्स को। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसके साथ एक तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट इसका आप देख सकते हैं, इसमें से टू ए कॉमन आ रहा है, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं टू ए रेज टू पावर ए एक्स। अब इसमें से हमने सिर्फ ये कॉमन निकाला है, ठीक है, तो इसमें जब हम कॉमन निकालेंगे टू ए आ जाएगा बाहर ई की पावर एक्स, ये वाला था, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसके हमारे पास जो वैल्यूज बच जाएगी वो रहेगी बी कॉस बी एक्स प्लस टू ए कॉमन, तो एक पावर ए साइन बी एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा जी, अब आप चेक करें कि ये जो वैल्यू है बी कॉस बी एक्स प्लस ई ए साइन बी एक्स, यानी कि यहां पर और शुरू में ए एक्स, तो ये सारा कुछ जो है ये डी वाई डी एक्स की इक्वल आ रहा है, और इधर जो हमारे पास ऊपर से जो वैल्यूज आ रही है यानी कि ये चीज बन रही है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर। अब आप इस तरह करें कि ये टू ए इसकी जगह पे लिख लें डी वाई ओवर डी एक्स माइनस इसकी जगह पे आप वाई लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यही था हमारा। तो अब इसको मैं अगर तरतीब से लिख दूं यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पहले मैं लिख दूं और वाई इधर लिखने के बजाय इधर लिख दें डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर, अब उसको इधर ले आए तो ये हमारे पास पूरी प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।